जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। जिला पंचकुला के 212 गांव में लगाई गई धारा 7A को लेकर पिंजौर कालका प्रॉपर्टी वेलफेयर एसोसिएशन का धरना प्रदर्शन 25वें दिन भी जारी रहा। इस मौके पर एसोसिएशन के प्रधान हर्ष कुमार, संरक्षक मान सिंह मान, रंजीत सिंह बिट्टू मान, एडवोकेट कपिल शर्मा, एडवोकेट राकेश करोतिया, पूर्व पार्षद हरबंस लाल, दिनेश वाल्मीकि, पूर्व पार्षद गुरुचरण धीमान, सुखदेव सिंह, बलजीत राव, सुखविंदर सैनी, ज्ञानी सुखदेव सिंह, नोकवाल सिंह, रमेश कुमार, रघुवीर सोडी सहित भारी संख्या में लोगों ने सरकार से क्षेत्र से धारा 7A को हटाने व जल्द से जल्द रजिस्ट्रियां खोलने की मांग को दोहराया। मैं अपनी एसोसिएशन की तरफ से सबसे पहले तो अपने पत्रकार और छायाकार बंधुओं का अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो पहले दिन से हमारे साथ, जो भी भले ही एसोसिएशन के हमारे साथी हों, जो हमारे साथ चल रहे हैं। मैं अब एक शेर पढ़ूंगा राहत इंदौरी जी का, जो मेरे भाई दिनेश जी ने कहा तो यादव जी को था, चलो पढ़ मैं देता हूँ। यादव जी इजाजत है? अरे मेरे मालिक, क्या बात है हुजूर, कहिए ना, यही तो सुनना चाहते हैं आपकी मुखारबिंदु से। अगर खिलाफ है, क्या बात है, अगर खिलाफ है होने दो, अगर खिलाफ है, खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, क्या बात है दिनेश जी, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, लगेगी आग, लगेगी आग तो ये घर कहीं जद है, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं है, क्या बात है रावत जी, यादव जी, मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम थोड़ी है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, लोकवाल जी, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, सभी का खून है दिनेश जी, सभी का खून है शामिल इस मिट्टी में, सभी का खून है शामिल इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इन शब्दों के साथ सुने सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इस मौके पर एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि सरकार की नीति और नियत में साफ फर्क नजर आ रहा है, इसलिए अभी तक हमारी मांग पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। वहीं मौके पर एसोसिएशन के सदस्यों को संबोधित करते हुए पूर्व पार्षद गुरुचरण धीमान ने कहा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए हमें अपने संगठन को मजबूत कर एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि क्षेत्र में धारा 7A लगाने से सरकार व विभाग द्वारा लाखों लोगों की सांसें रोकने का काम किया गया है और क्षेत्र से धारा 7A को हटाने की हमारी मांग जायज है। इस मौके पर सभी सदस्यों ने सरकार से जल्द क्षेत्र से धारा 7A को हटाकर लोगों को राहत की सांस दिलाने की मांग की है। वक्तव्य से हाई कोर्ट जाना वो एक टेरिटरी इशू है, उससे पहले के नीचे अगर आप 7A को आप पढ़ेंगे, 7A की आवश्यकता ही नहीं थी हमारे इलाके में लगाने की, वो ऑलरेडी अमेंडेड है एक्ट। अगर आपने देखा हो, जो सुशील जी भी आए यहाँ पर, उन्होंने भी बड़ी तफसील से इन सारे बिंदुओं के ऊपर चर्चा की और हमें लग रहा है कि बड़ी जल्दी ही हमें अच्छी सी खुशखबरी, जो जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, वो हमें सुनने को मिलेगी। वैसे तो
धारा 7A इतनी बड़ी धारा है कि हमारी हर एक तरीके से हमारे इलाका वासियों के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार है। हम बड़ी आरामदायक तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे थे, ना सरकार से कभी हमने रोजगार की डिमांड करी, ना हमने सरकार से कभी कोई किसी तरीके की बात करी, और जो रोजगार था वो भी सरकार ने इसलिए छीनने का काम किया HMT बंद करके इस इलाके से। मैं तो बात करूंगा इसके साथ जुड़ी हुई जो बात है उसके ऊपर, किस धारा 7A से इलाका वासियों के अंदर मुझे लगता है कि 90% लोगों के ऊपर या 100% लोगों के ऊपर फर्क पड़ा है। जिसने अपना मकान बना लिया उसको तो शायद इसके बारे में ज्यादा फर्क ना पड़े, पर जिसने अपना मकान बनाना है और जो इस व्यवसाय में संबंधित लोग हैं सबके ऊपर 90% लोगों के ऊपर इसका फर्क है। और इस इलाके की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है, जो यहाँ की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, लेन देन है, उसके ऊपर सारे के ऊपर फर्क पड़ेगा। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि HMT के अंदर अगर 1,500 एम्प्लाइज भी था या 2,000 एम्प्लाइज भी था, मिनिमम से मिनिमम 30,000 सैलरी भी ले रहा था तो महीने की तनख्वाह कितनी होगी जी? इलाके के अंदर घूमी पड़ी वो ट्रांजेक्शन बंद होगी। उसके बाद जो लोग बाहर से HMT बाहर से जो पति या परवाणु या चंडीगढ़ या पंचकूला कहीं के जो लोग वहां पे मकान नहीं ले पाते थे, उन्होंने इस एरिया में अगर मकान लेने का मन बना लिया तो वो लोग भी नहीं आ पा रहे आपके पास। और सरकार की नीति और नियत ये है कि इस इलाके को उजाड़ दो, और यही काम आपके सामने कर रही है BJP सरकार। और फिर भी जो लोग, मैं अंकल जी की बात के ऊपर बात करूंगा कि हम इस माध्यम से, इस संस्था के माध्यम से, इस संगठन के माध्यम से इस चर्चा के ऊपर इतना जोरदार प्रदर्शन करें कि जैसा कि हमने पहले 3-4 दिन पहले कहा था कि इस जिले का जो मुखिया है ज्ञानचंद गुप्ता जी स्पीकर साहब, उनसे मिले, उन्होंने हमें आश्वासन तो दिया कि आपको मैं करवा के दूंगा CM साहब से। और उसके बाद आदरणीय मान सिंह जी CM साहब के रिप्रेजेंटेटिव से जाके मिले, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया। साथियों, ये सरकारें ऐसे नहीं झुकती, इनको झुकाने वाला चाहिए। लड़ाई का जो संघर्ष का पेस है, अभी तक हम जो लड़ते आ रहे हैं उसका तो सिर्फ ये शुरुआत की बात है। मुझे ये लगता है कि आप जो मर्जी इस मंच के माध्यम से दिनेश जी जो मर्जी कहते रहो, सरकार का आश्वासन हमें संयोजित ढंग से इस संघर्ष को बहुत तेज करना पड़ेगा। अपनी इस संघर्ष का जो संगठन है गांव लेवल के ऊपर, मोहल्ले लेवल के ऊपर बढ़ा के एक जोरदार संगठन के माध्यम से एक बार हमें अगर सरकार नहीं सुनती अगले 3-4 दिन के अंदर या पहली तरीक तक नहीं मिलती, हम मुख्यमंत्री आवास तक कूच करने की तैयारी करनी चाहिए हमें, क्योंकि जब तक मांगोगे नहीं तब तक कोई कोई तुम्हें घर में देने वाला नहीं आएगा। ये संघर्ष का जो पेस है, जो संघर्ष की जो स्पीड है, ये बढ़ानी पड़ेगी। हर एक गांव से, हर एक मोहल्ले से, हर एक शहर से इस संगठन के माध्यम से बढ़ा के अपने संघर्ष को सुयोजित ढंग से शांतिपूर्ण तरीके से CM के आवास तक पहुंचेंगे। महज 25 किलोमीटर दूर है यहाँ पे सरकार, जो आज तक 25 दिन से हमारी बात नहीं सुन पाई। तो अगर नहीं सुन पाई तो हमें उसके दरवाजे के ऊपर जाके जोरदार अपनी बात करनी पड़ेगी। अगर वो बात फिर नहीं मानती फिर अगला संघर्ष का फिर माध्यम तेज करना पड़ेगा, तब जाके हम कहीं लड़ाई जीत पाएंगे। अगर आपने ये तरीका अपना लिया तो ये तो हम जीतेंगे जीतेंगे ही, इसके साथ अगली जो इस इलाके की लड़ाई है उसके लिए भी आपको प्रयास होना पड़ेगा। ये एक मौका है जो आज सोए हुए आम आदमी आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। कोई ऐसे नहीं संघर्ष के अंदर घुसता। अगर शरीफ आदमी को पकड़ेंगे, सरकार को मैं कहना चाहूंगा पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, इलाका शरीफ है, लोग शरीफ है, मगर शरीफ को जब तक आप छेड़ दोगे तो वह बदमाश भी बन जाएगा, आपके साथ वो पंगा लेने के लिए भी तैयार हो जाएगा। वही हाल हमारा हुआ आज की डेट के अंदर, और हमने इस लड़ाई को आगे लेके जाना है चाहे जो मर्जी करना पड़े। ये तो जो भी आपने जिस भी तरीके से रिप्रेजेंटेशन दी है इसके ऊपर ये आदरणीय प्रधान जी से ये कहूंगा कि अपनी मीटिंग बना के 30 तारीख तक या 31 तारीख तक हमें इंतजार करें। उस इन द मीन टाइम 4 दिन का टाइम है हमारे पास, अपने संघर्ष की जो एक्टिविटी है, अपने जो संस्था की एक्टिविटी है उसको बना के हम अगली तैयारी की तरफ कूच करें। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा, इस बात से मैं सहमत हूँ, जो इस इलाके के अंदर रह रहा है
चाहे वो किसी पार्टी का है, उस पार्टी को आप अपनी तरफ से एक मेमोरेंडम, एक रिप्रेजेंटेशन दो, जो सरकार के अंदर बैठ के प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं उनके यहाँ पे जाके अपना प्रतिमंडल भेजो, या तो आप हमारे साथ आ जाओ, नहीं आपके खिलाफ हम यहीं से करना शुरू कर देंगे। क्योंकि जब तक सरकार को और सरकार के आदमियों को आप कहने की तैयारी नहीं करते, उनके ऊपर प्रेशर नहीं मेंटेन करते, जब तक कुछ बनने वाला नहीं है। यहाँ तो संगठन का जो प्रेशर है तभी बात बन पाएगी। जैसा कि मेरे भाई ने एक कविता बोली, डरने वालों की कभी हार नहीं होती, नहरों से डरते कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नहरों से लोग डर के नौका पार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेके चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है, चढ़के गिरना गिर के चढ़ना, चढ़के गिरना गिर के चढ़ना ना उसको करता हर बार, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धीमान साहब ने एक बात कही कि हरिवंश राय बच्चन ने एक ही बात कही कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। तो ये जो प्रयास है ये जारी रहेगा, लेकिन जो आश्वासन हमें पीछे गत कुछ दिनों में जो हम मिले थे, तो खासतौर पे जो भारतीय हैं वो आशावादी हैं, भाग्यवादी हैं, सोचते हैं चलो कल का आज का दिन इलेक्शन में चला गया, 30 का रिजल्ट देख लें तो शायद कुछ न कुछ सुगाहट हो, लेकिन मंजिल मिले ना मिले तो मुकद्दर की बात है। अरे कोशिश ना करें ये तो गलत बात। तो हम ज्यादा ना करते हुए मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि जितनी जल्दी से जल्दी सेवाओं को हटाया जाए और ये रोकी हुई सांस को फिर से चलाया जाए। क्यों कि अगर मान लीजिए कि जनता और जनार्दन को तकलीफ सरकार से हो तो संविधान भी अलाउ करता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम भी यही है, प्रजातांत्रिक प्रणाली में हम अपनी बात को सब सिंहासन पर बैठे मुजरी आजम के पास हम रख सकते हैं, इसके सिवा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, कोई चारा नहीं है। तो एक बात फिर रहे नहीं राहत अंदोरी, एक बार जरूर ये बात फिर याद आ गई, अगर अगर बोले बोले क्या जीत लिए कोने में बैठे रहोगे, अगर जीत लिए कोने में बैठे रहोगे तो लोग को सवाल पूछेंगे, तो इधर उधर की न बात कर तो ये बता कि काफला क्यों लूटा, हमें मुझे रहजनों से गिला नहीं तेरे रहबरी का सवाल। तो दोस्तों मुझे उम्मीद यकीन विश्वास है कि चंद दिनों में सरकार ये 7A को खत्म करेगी, अपने जो आश्वासन दिया है उसे इंप्लीमेंट करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक जो